नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राजपूताना एम्पायर पर। आज हम बात करने वाले हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। क्या सचमुच में उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था? क्योंकि आजकल पृथ्वीराज फिल्म आने के बाद यह सवाल चारों तरफ उठ रहा है। तो चलिए पूरे प्रमाणों के साथ हम बताएंगे कि सत्य क्या है। सबसे पहले हम गौरी खानदान को जान लेते हैं, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम साहबुद्दीन नियामुजुद्दीन मोहम्मद शाम था। पर्शियन ग्रंथों में इसे मियाजुद्दीन गौरी लिखा गया है। इसका शासनकाल 1203 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक एक सुल्तान के रूप में रहा था, जबकि 1191 से 92 में तरावन के युद्ध में यह एक सेनापति के रूप में था, क्योंकि उस समय ये सुल्तान नहीं था बल्कि इसका भाई गियाद अलुद्दीन गौरी उस समय गौर साम्राज्य का सुल्तान था, जिसने 1163 से 1202 ईस्वी तक शासन किया था। साहबुद्दीन गौरी केवल एक सैन्य अभियान का प्रमुख था, जबकि अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान में इसके बड़े भाई गियाद अलुद्दीन गौरी को मोहम्मद गौरी कहा जाता है। इन दोनों के पिता बहाउद्दीन शाम, जो 1149 ईस्वी तक गौर साम्राज्य के प्रमुख रहे थे। अब बात इतिहासकारों की करें तो अधिकतर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई थी। इतिहासकार जिन समकालीन मुस्लिम ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे हसन निजामी का ताज उल मासिर, मिनहाज की तबकात ए नसीरी, तारीख ए फरिश्ता आदि, जबकि सच ये है कि ये एक भी ग्रंथ गौरी और पृथ्वीराज के समकालीन नहीं थे, बल्कि मिनहाज और हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे, जिन्होंने तराइन युद्ध 16 साल बाद ऐबक के मुँह सुनी हुई बातों को अपने ग्रंथों में लिखा। भारतीय ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज प्रबंध, हमीर महाकाव्य, विरुद्ध विधि विध्वंस प्रबंध कोश को भी मिलाकर अगर पृथ्वीराज की मृत्यु हिंदू मुस्लिम स्रोतों से देखें तो कोई ग्रंथ कहता है पृथ्वीराज की गौरी ने 9 महीने कैद करने के बाद मारा था। कोई ग्रंथ कहता है कि तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज मारे गए। कोई कहता है दिल्ली लाकर उन्हें किला राय पिथौरा में मारा गया। कोई ग्रंथ कहता है कि उन्हें अजमेर में गड्ढे में खुदवाकर मारा गया। लेकिन एक भी ग्रंथ एक मत नहीं है कि हुआ क्या था, और हमारे परम ज्ञानी इतिहासकारों ने इनसे कॉमन बात छांटने का प्रयास किया है और कल्पना कर दी कि अजमेर में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी। लेकिन एक भी इतिहासकार ने अफगानिस्तान का रुख नहीं किया कि वहां क्या हुआ था। अफगान लोगों की मान्यताओं के अनुसार सुल्तान मोहम्मद गौरी की कब्र गजनी प्रांत के देहक नामक स्थान पर है। उनके अनुसार उनके सुल्तान को किसी काफिर राजा ने मारा था, जिसकी कब्र गौरी की कब्र के पास में ही है। अफगान इतिहासकारों के अनुसार 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास देहक में एक प्रसिद्ध जेल हुआ करती थी, जिसे फोर्टेज ऑफ ने यानी ने का किला कहा जाता था। इसका वर्णन सर्वप्रथम 11वीं शताब्दी के पर्शियन कवि मसूद साद सलमान ने किया था, क्योंकि उनको भी गजनवी सुल्तान सैफ अल द्वाला द्वारा 1085 में न्याय की फोर्टेस जेल में डाला गया था, तो वह वहां 11 साल कैद रही। उन्होंने अपनी जेल डायरी, जिसे ईरानी में कासी दाह कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि इस जेल में काफिर राजाओं, उनके सैनिकों व अन्य मुसलमानों को कैद किया जाता था, और सबसे पहले उनकी आंखें फोड़ दी गई थीं। फिर इसके बाद उन्हें 10 से 15 साल तक लंबा कैद किया जाता था, फिर या उन्हें मुसलमान बनाकर छोड़ देते थे या उन्हें तड़पाकर मार दिया जाता था। और ऐसा ही नहीं, इससे पहले महमूद गजनवी के बेटे फरुख सजाद द्वारा अपने भाई गजनी के इब्राहिम सुल्तान जाहिर अलद्दीन को 1060 ईस्वी में कैद किया गया था, क्योंकि उन दोनों में सत्ता के लिए झगड़ा हुआ था। कैद करने से पहले उनकी आंखें फोड़ी गई थीं। वो वहां 10 साल कैद में रहा। फिर जब गौरी सुल्तानों का तुरान क्षेत्र पर शासन आया तो गौर प्रांत के अलाउद्दीन हुसैन गौरी द्वारा 1151 ईस्वी के आसपास गजनवी के शासक बहराम को पराजित कर उस शहर और फोर्टेस ऑफ ने जेल पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें उसने अपने भतीजे गयासुद्दीन और साहबुद्दीन गौरी को 1152 ईस्वी में जेल में डाल दिया। वह 1162 ईस्वी में इन्हें छोड़ा गया, यानी दोनों मोहम्मद गौरी 11 साल तक इस जेल में रहे। इसका अर्थ है कि इस्लामिक व अन्य शत्रुओं के लिए वो जेल बहुत ही प्रसिद्ध थी। और ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 ईस्वी में हुआ था, जब उनके तराइन के दूसरे युद्ध में हार हुई। 4 मार्च 1192 को उन्हें बंदी बनाकर साहबुद्दीन ने अपने सैनिकों द्वारा गजनी भेज दिया। सुल्तान गयासुद्दीन गौरी के पास
क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी पूर्वी अभियान का प्रमुख था, जिसे हमारे इतिहासकारों ने बड़ा चढ़ाकर सुल्तान बता दिया, जबकि 1202 ईस्वी के पहले शहाबुद्दीन गौरी किसी भी जगह का सुल्तान नहीं था और फारसी तारीख भी इसकी पुष्टि करती है। उसका काम केवल गौर साम्राज्य का विस्तार करना और पकड़े हुए हिंदू राजाओं को अपने सुल्तान गयासुद्दीन के पास भेज देना या उन्हें बंदी बनाकर वहीं मार देना था। शहाबुद्दीन 1192 में युद्ध के बाद पृथ्वीराज को मारा नहीं था, क्योंकि 1191 ईस्वी के पहले युद्ध में पृथ्वीराज द्वारा भी उसे क्षमा दान दिया गया था। उसका मकसद पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करवाना था, जो कि गजनी के जेल में यातना देकर ही कर सकते थे, क्योंकि पृथ्वीराज जैसा स्वाभिमानी योद्धा स्वयं ऐसा कभी नहीं करेगा। देयक पहुंचते ही अप्रैल 1192 ईस्वी में सबसे पहले पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं, वह उन्हें कैद में डाल दिया गया, जबकि शहाबुद्दीन गौरी भारत में ही रहा और उसने एक महीने बाद दिल्ली के तोमरों को पराजित कर उन्हें भी जीत लिया। गजनी ने किसी काफिर राजा को 1192 ईस्वी में कैद करने की बात हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल एशिया वॉल्यूम 4 पार्ट 1 तथा द गौरीड्स बाई के ए निजामी नामक पुस्तक में। पृथ्वीराज के कैद हो जाने के बाद 1.5 महीने के अंदर ही शहाबुद्दीन ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और वहां उसके पुत्र गोविंद राज को आश्रित शासक बनाया, यह कहकर कि तुम्हारे पिता हमारे कब्जे में। लेकिन जल्द ही पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान कवि चंद्रवरदाई सेनापति स्कंद द्वारा अजमेर पर कब्जा कर लिया गया। वह उदयराज चौहान के नेतृत्व में गौरियों के खिलाफ फिर युद्ध का बिगुल फूंका गया। पाटन के जैन आचार्य तथा आचार्य जिनदत्त सूरी द्वारा 1155 ईस्वी में जब अजमेर की सरस्वती कंठावरण विद्यापीठ का भ्रमण किया गया, तो उसके संदर्भ में उन्होंने एक ताड़पत्ती पांडुलिपि लिखी, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय का तो उल्लेख है पर मृत्यु का नहीं, यानी 3 वर्ष तक वे जिंदा थे। 1158 ईस्वी तक हरिराज चौहान भी पराजित हुए, वह ऐबक और गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर दोबारा कब्जा हो गया, जिस कारण वहाँ सामंतों ने अन्य रियासतों का रुख कर लिया था और वहाँ दूसरी तरफ चंद्रवरदाई 1202 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान को ढूंढते हुए हैरात जा पहुँचे। वहाँ के शासक सुल्तान गयासुद्दीन गौरी ही थे, जिससे उसने आग्रह किया कि आपके राज्य में एक जेल में हमारे अजमेर पति कैद हैं, कृपया हमें उनसे मिलने दीजिए। 10 महीने तक चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के साथ उस नेकी जेल में रहे। वह एक दिन दोनों ने सुल्तान गौरी को मारने की योजना बनाई। वह 11 फरवरी 1203 ईस्वी में चंद्रवरदाई के आग्रह पर सुल्तान गयासुद्दीन गौरी द्वारा बाढ़ चलाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जो देयक की जेल के गलियारे में हुई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज द्वारा शब्द वेदी बाढ़ गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की हत्या करने के लिए चलाया जाता है। वह चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज एक दूसरे को आपस में कटार घोंप देते हैं, जैसा कि आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। और अफगानिस्तान सरकार व गौरी के वंशजों के अनुसार गयासुद्दीन गौरी की कब्र फॉल्टनेस ऑफ ने नामक जेल में है, जिसकी कब्र पर लिखा है शहीद ए गाजी याद अलाउद्दीन मोहम्मद साम गौरी। यानी इस्लाम में शहीद वो होता है जब किसी मुसलमान की हत्या किसी काफिर द्वारा कर दी जाती है, और गाजी का अर्थ काफिरों को मारकर बना सुल्तान। और जब वह शहाबुद्दीन को यह बात पता चली, उस समय वह पंजाब में एक सैन्य अभियान पर था, उसने तुरंत जाकर उस जेल को तोड़वा डाला, जिसके कारण उस फोर्टनेस ऑफ ने जेल का 1203 के बाद कोई इतिहास नहीं मिलता है, और अफगानी तथा ईरानी इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि शब्द वेदी बाढ़ वाली घटना निश्चित ही हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी व भारतीय इतिहासकार इस पर तर्क देते हैं कि गयासुद्दीन की कब्र देयक में न होकर हैरात में है, जबकि उनकी अज्ञानता पर प्रकाश डालें तो पता चलता है हैरात में जिस सुल्तान की कब्र है वो गियातुलुद्दीन महमूद है, जिसने 1206 ईस्वी से 1212 ईस्वी तक शासन किया, जबकि गयासुद्दीन गौरी का नाम गियातुलुद्दीन मोहम्मद साम था, जिसने 1163 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक शासन किया। अब बात तराइन वाले शहाबुद्दीन गौरी की करें तो इसकी मृत्यु निश्चित 15 मार्च 1206 ईस्वी को पंजाब के झेलम नदी के पास हुई थी, जिसे खोकर या इस्माइली नामक जनजाति ने मारा था। इसकी कब्र को भी अफगानिस्तान सरकार गजनी में मानती है, लेकिन पाकिस्तान के अनुसार इसकी कब्र झेलम के पास कोट दमयक में है।
हालांकि 1994 ईस्वी से पहले यह कोई नहीं जानता था कि महमूद साबुद्दीन गौरी की कब्र पाकिस्तान में है, बल्कि यह बात एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट द्वारा अमल में लाई गई थी, जिसके बाद उसे वहां बनाया गया था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कब्र पर ही दोनों देशों में विवाद है तो फिर इतिहास में क्यों नहीं। लेकिन यह बात 100% निश्चित है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुख्य गौरी सुल्तान गया अलुद्दीन मोहम्मद शाम यानी गयासुद्दीन गौरी को जरूर मारा था। इसके संदर्भ में दो भारतीय ग्रंथ भी हैं। एक है बूंदी के शासक राव सुरजन हाड़ा का सुरजन चरित्र व 16वीं शताब्दी की पृथ्वीराज रासो, जो इस बात को मान्यता देती है। हालांकि हमने बिना ग्रंथों के यह बात प्रमाणित की पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी को 1203 ईस्वी में मारा था, और अफगानिस्तान व भारतीय लोग भी इस बात को बचपन से सुनते आए हैं। 21वीं सदी में शेर सिंह राणा जी ने स्वयं देहक में जाकर इन तथ्यों की पुष्टि की थी। वहां के लोग स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं। अब जो सवाल पूछ रहे हैं ये शायद उन्हें जवाब मिल चुका है। अब आपसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।